अगली खबर में बात करते हैं भोपाल की, जहां कुलार इलाके में 12th स्टूडेंट को बुरी तरह पीटा गया। चार पांच लड़कों के ग्रुप ने तार के कोड़े और डंडे से छात्र को पीटा। छात्र अपने बचाव में चीख पुकार नहीं कर सके, इसलिए उसके मुंह से कपड़ा ठूंस दिया। घटना 29 अगस्त की है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़ित स्टूडेंट को खोज कर अब आरोपियों पर केस दर्ज किया है। कुलार थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि बैरागढ़ चिचली का रहने वाला है। 16 साल का लड़का 12वीं का स्टूडेंट है। उसने पुलिस को बताया कि 29 अगस्त की सुबह 8 बजे वह स्कूल में था। इसी वक्त स्कूल के बाहर तीन लड़के झगड़ रहे थे। इनमें से दो लड़के शुभम और अभिषेक स्कूल में मेरे साथ पढ़ते हैं, तीसरे को नहीं जानता। स्कूल से छुट्टी होने के बाद बाहर निकला तो तीसरे लड़के के साथ कुछ और लड़के खड़े मिले। उन लोगों ने मुझसे शुभम का पता पूछा। मेरे मना करने पर चाबी छीन कर मेरी बाइक लेकर चले गए। कुछ देर बाद मुझे कॉल आया, कहा तुम्हारी बाइक फाइन एवेन्यू के सामने हैर आकर ले जाओ। मैंने वहां आने से मना किया तो दोपहर 2:30 बजे स्कूल के पास ही लड़के मेरी बाइक लेकर आ गए, बोले साथ चलो। वे मुझे ओम नगर ग्राउंड ले गए। यहाँ उन्होंने मुझसे कहा कि अमित शुक्ला को फ़ोन लगाओ। मैंने अमित को फ़ोन लगाया, उसने बताया कि वह भोपाल से बाहर है। छात्र ने पुलिस को बताया कि उसके बाद उन लड़कों ने मुझे तार के कोड़े डंडे से बेरहमी से पीटा। उन्होंने मेरा पैंट उतार दिया, इसके बाद कुल्हे पर बार बार डंडे और तार से मारा। मैं माफ़ी मांगता रहा लेकिन वे मारते रहे। इसके बाद मुझे धमकी दी कि अगर पुलिस या परिवार वालों को बताया तो मुझे जान से मार देंगे। उनके पास एक छुरी भी थी। छात्र ने पुलिस को मारने वालों के नाम रिचर्ड, लक्की मालवीय, संदीप हर्षित बताए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वीडियो में दो आरोपी स्टूडेंट का पैर पकड़े दिख रहे हैं, तीसरा आरोपी उनका सिर पकड़ा हुआ है। स्टूडेंट को तीन आरोपी लटकाए दिख रहे हैं, चौथा आरोपी प्लास्टिक के डंडे से उसके कुल्हे पर मारता दिख रहा है, पांचवा आरोपी तार के कोड़े उसके कुल्हे पर मार रहा है। इस दौरान मारपीट करने वालों आरोपियों के और भी दोस्त दिख रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।